नीतीश कुमार ने दिया खुशखबरी, कैबिनेट में लगी मुहर, संविदा कर्मियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। सरकारी नौकरी की नियुक्ति में वेटेज देने के फैसले पर कैबिनेट में लगी मुहर, नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा इसका लाभ। जय हिंद। आप देख रहे हैं समीर संवाद लाइव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समीर संवाद लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 20 एजेंडे पर मुहर लगी। संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी की नियुक्ति में वेटेज देने के फैसले पर कैबिनेट मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि 60 साल तक की उम्र तक इनकी नौकरी बनी रहेगी। बेल्टन के कर्मी को आउटसोर्सिंग ही माना जाएगा। चौधरी कमेटी पार्ट 2 पर कैबिनेट में मुहर लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले ही राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा को लेकर के नीतीश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर खुद स्पष्टीकरण दिया गया था। सरकार ने मीडिया में आई खबरों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग में प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया था कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए एक साल की सेवा की सीमा पहले से तय की गई थी और अब संविदा कर्मियों को राज्य सरकार ने नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की सुविधा प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है और ये उनके लिए खुशखबरी हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया था कि राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जुलाई 2007 में सरकार ने फैसला किया था और उसमें नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि और नियमित नियुक्ति होने तक के संविदा नियोजन, विभिन्न तरह के अवकाश, मानदेय का पुनरीक्षण, अनुग्रह अनुदान के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नियमित नियुक्ति में भी नियोजित कर्मियों को वेटेज की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय में बदलाव किया है। दरअसल पूर्व IAS अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी में सितंबर 2018 में ही कहा गया था कि बिहार में पहले से संविदा नियोजित कर्मियों के संविदा नियोजन के पद पर नियमित नहीं होने की स्थिति में उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति तक संविदा नियोजन बरकरार रखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश, हर एक साल के मानदेय का पुनरीक्षित, अनुग्रह अनुदान, सेवा अभिलेख का संधारण, यात्रा का खर्च, अपील का प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, काम का वार्षिक मूल्यांकन और नियमित नियुक्ति में अधिमानता की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 22 जनवरी को अलग अलग विभागों में भविष्य के लिए नियोजन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार में कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई और उसके बाद भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। दरअसल पिछले दिनों मीडिया में ये खबरें आई थी कि नीतीश सरकार एक महीने का नोटिस या मानदेय देकर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी की सेवा समाप्त कर सकती है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियम पहले से है, जिन्हें बहाल किया गया उन्हें भी इस बात की जानकारी थी कि संविदा कर्मी सरकारी सेवक नहीं है। संविदा कर्मी सरकारी कर्मी नहीं माने जाएंगे जब तक इनकी नियमित नियुक्ति नहीं हो जाएगी। तो ये थी बिहार में संविदा पर बहाल कर्मियों से जुड़ी ही बड़ी खबर। खबरों में बने रहने के लिए समीर संवाद लाइव से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 20 एजेंडे पर मुहर लगी है। संविदा कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति में वेटेज देने के फैसले पर कैबिनेट में मुहर लग गई है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया है। सरकारी नौकरी की नियुक्ति में वेटेज देने के फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगी है। ठेके पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि 60 साल तक की उम्र तक इनकी नौकरी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन के कर्मी को आउटसोर्सिंग ही माना जाएगा, जबकि चौधरी कमेटी पार्ट 2 पर कैबिनेट की मुहर लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले ही राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा को लेकर के नीतीश सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर खुद स्पष्टीकरण दिया गया था। सरकार ने मीडिया में आई खबरों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी थी।
सामान प्रशासन विभाग में प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए एक साल की सेवा सीमा पहले से तय की गई थी और अब संविदा कर्मियों को राज्य सरकार ने नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की सुविधा प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। सामान प्रशासन विभाग ने बताया था कि राज्य में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जुलाई 2007 में सरकार ने फैसला किया था और उसमें नियोजित कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि और नियमित नियुक्ति होने तक के संविदा नियोजन विभिन्न तरह के अवकाश मानदेय का पुनरीक्षित अनुग्रह अनुदान के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। नियमित नियुक्ति में भी नियोजित कर्मियों को वेटेज की सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने इस निर्णय में बदलाव किया है। दरअसल पूर्व आईएएस अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय कमेटी ने सितंबर 2018 में ही कहा था कि बिहार में सबसे पहले संविदा नियोजित कर्मियों के संविदा नियोजन के पद पर नियमित नहीं होने की स्थिति में उनकी समान सेवानिवृत्ति तक संविदा नियोजन बरकरार रखने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवकाश हर साल के मानदेय का पुनरीक्षण अनुग्रह अनुदान सेवा अभिलेख का संधारण यात्रा का खर्च अपील का प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा काम का वार्षिक मूल्यांकन और नियमित नियुक्ति में अधिमानता की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार के तरफ से कहा गया है कि 22 जनवरी को अलग अलग विभागों में भविष्य के लिए नियोजन किए जाने के संबंध में राज्य सरकार में कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर मीडिया में खबरें प्रकाशित हुईं और उसके बाद भ्रम की स्थिति पैदा हुई। दरअसल पिछले दिनों मीडिया में ये खबरें आई थी कि नीतीश सरकार एक महीने का नोटिस या मानदेय दे करके कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर सकती है। जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी ये खबर प्रकाशित की गई थी, इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियम पहले से है, जिन्हें बहाल किया गया है उन्हें भी इस बात की जानकारी थी कि संविदा कर्मी सरकारी सेवक नहीं है, संविदा कर्मी सरकारी कर्मी नहीं माने जाएंगे जब तक इनकी नियमित नियुक्ति नहीं हो जाएगी। तो ये थी बिहार के सरकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। खबरों में बने रहने के लिए समीर संवाद लाइव से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।